बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खुश होंगे, खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक ठाक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं अपने व्लॉग में या अपने जो भी आपके साथ चीज़ें शेयर करती हूँ, तो मैं उस पर हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपके साथ टिप्स वगैरह शेयर करती रहती हूँ। तो मैं अक्सर जो अपना ब्रेकफास्ट बनाती हूँ वो होता है जी मूसली का। ईज़िली यहाँ पे अवेलेबल है, जिसमें मल्टी ग्रेन्स होते हैं, ड्राई फ्रूट्स, थोड़े से नट्स होते हैं। तो मैं इसको मज़ीद हेल्थी कर लेती हूँ कुछ फ्रूट्स डाल के, और योगर्ट चिया सीड डाल लेती हूँ, क्योंकि मुझे वेट को रिड्यूस करना है मज़ीद। हमज़ा की पैदाइश के बाद आपको पता है कि थोड़ा सा वेट पुट ऑन हो जाता है। तो मैं यहाँ तो अपना चाय रस को इंजॉय कर रही होती हूँ, तो यहाँ मैं अपना ये मूसली का बाउल बना लेती हूँ। तो पर्सनली मेरा एक्सपीरियंस ये है कि मुझे जब मूसली मैं खा लेती हूँ ना, तो मुझे भूख नहीं लगती है 4-5 बजे तक। तो बड़ा ज़बरदस्त एक हेल्दी सा बाउल मेरा तैयार हो जाता है। तो चिया सीड भी डाल देती हूँ, तो ये भी बहुत अच्छी एक चीज़ है वेट रिड्यूस करने के लिए। तो मैं हमेशा, मेरी आदत है कि बच्चे जब स्कूल चले जाया करते थे, तो मैं कुरान पाक की जो तलावत है वो अपने घर में लगाती थी। तकरीबन आधा पौना घंटा तो लाजमी सुनती थी। बच्चों का ब्रेकफास्ट बन रहा होता था और साथ साथ तैयार कर रही होती थी उनको। तो बट अब ये है कि पेंडेमिक सिचुएशन जो कि जाने का नाम नहीं ले रही है, 2020 जब से आया है, कहीं से भी पॉजिटिव वाइब नहीं सुनने को मिलती, न्यूज़ नहीं सुनने को मिलती। तो ये है कि अब मैंने इसका जो तलावत का ड्यूरेशन है 4 से 5 घंटे कर दिया है। अगर लिविंग रूम में कोई भी नहीं है, बच्चे मीडिया रूम में हैं, तो मैं इसको सुनती हूँ, नहीं तो मैं अपने हेडफोन लगा लेती हूँ। तो इससे फ़र्क ये पड़ा है कि मैं पॉजिटिव होना शुरू हो गई हूँ, अच्छी सोच मेरे अंदर डेवलप होना शुरू हो जाती है जब मैं कुरान पाक की तलावत सुनती हूँ। पॉजिटिव एनर्जी आती है, नेगेटिव वाइब्स जाती हैं मेरे सराउंडिंग से। तो मुझे बड़ा ज़बरदस्त फील होना शुरू हो गया। तकरीबन हफ्ता हो गया है कि ये मैं इस अमल को कर रही थी। तो मुझे था कि भाई हर कोई डिप्रेशन में है, स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग इंसान भी हो तो उसको कोई ना कोई इस तरह की सिचुएशन या वो न्यूज़ मिल जाती है तो वो थोड़ा सा डाउन हो जाता है। तो ज़रूर अपने घरों में तलावत कुरान पाक को लगाइए, सुनिए। तो दूसरा, मैं जो एक टास्क कर रही थी वो जो था बहुत अरसे से पेंडिंग पड़ा हुआ था, क्योंकि हमज़ा की पैदाइश के बाद 1-1.5 माह तो बिल्कुल भी मैंने बच्चों की क्लोज़ेट को ऑर्गेनाइज़ नहीं किया। मेरे पास टाइम ही नहीं था या फौश क्याले नहीं थी, बस सिंपल धो दिए और तह करके क्लोज़ेट में रख दिया है। तो हस्बैंड लेके आए थे इन लोगों के समर के कपड़े कुछ टारगेट से। तो मैंने आज हिम्मत बांध ली और मैं सुबह सुबह स्टार्ट हो गई इनके ऑर्गेनाइज़ करने। कपड़े जो छोटे हो गए थे उनको साइड पे किया, जो आयरन होने वाले थे फॉर्मल वेयर उनको सेपरेट किया, टी शर्ट शर्ट को सेपरेट करके, पजामा वेयर जो भी था, शॉर्ट्स, उनको सबको मैंने, शुक्र है कि ऑर्गेनाइज़ कर दिया कि भई मज़ीद कपड़े आ गए हैं और अब जो जगह है स्पेस भी बनानी है। तो इनका जो कैजुअल वेयर का पोर्शन है मैंने बड़ा ऑर्गेनाइज़ करके रख दिया फाइनली। तो ये थी टारगेट से कैजुअल वेयर की शॉपिंग। हाँ, तो ये होता है कि ख़ुद ही जाके हस्बैंड कराते हैं बच्चों की जो शॉपिंग होती है। बॉयज़ हैं माशाल्लाह, तो अच्छा भी लगता है मुझे कि मुझे ज़्यादा खपना नहीं पड़ता है। तो बॉयज़ की तो शॉपिंग होती भी सीधी सीधी सी है, बट अच्छी अच्छी शॉपिंग करके आते हैं। तो कैजुअल वेयर में शर्ट्स थी, और बच्चे दिनों में बड़े हो रहे होते हैं, आप इनके जितने कपड़े लेके आए हैं उतने कम हैं। तो फिर मुझे था कि भाई हिम्मत नहीं हारनी है, हिम्मत रखो, क्योंकि इनको मैंने इनकी अच्छा सा एक ब्रेकफास्ट करा दिया था और लंच भी मुझे हल्का फुल्का सा बनाना था। तो फिर मैंने इनकी जितने भी आयरन होने वाली शर्ट्स थी कॉटन की और फॉर्मल वेयर की, उन सबको मैंने आयरन किया। बहुत एक हेक्टिक दिन था मेरे लिए, बट मुझे था कि मैंने इसको कंप्लीट करना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कंप्लीट कर लिया। और जब आपकी कोई इस तरह का काम पेंडिंग में जा रहा हो ना, तो कहीं ना कहीं आपके दिल में या दिमाग में वो घंटी बजती रहती है कि आपको ये काम पूरा करना है। तो फाइनली हो गया था ये काम। तो बच्चों के लिए मैंने रात को पॉप्सिकल फांटा का ड्रिंक इसमें मिक्स करके रखा भर के। तो आप जामे शीरी कोई भी आपके पास घर में ड्रिंक हो तो मज़े से इनको बना के दीजिए, फ्रीज़र में रख दें और नेक्स्ट डे इनको सर्व करें तो बहुत इंजॉय करते हैं। बेशक वो आइसक्रीम्स या पॉप्सिकल्स खाते रहते हैं जो हम लोग स्टोर से लेके आते हैं, बट अगर माँ बना के दे, यानी कि मैं इनको जब बना के देती हूँ तो बहुत इंजॉय करते हैं। तो आजकल बच्चों के जो लाड उठाने वाला सीन है वो डबल से ट्रिपल हुआ होता है कि चलो जी खुश रहें, जो कह रहे हैं कर दिया जाए।
तो सिंपल सा मैंने लंच बनाया जो कि बहुत मज़े के क्लब सैंडविचेस थे। चिकन को मैंने बॉयल कर लिया थोड़े से नमक के साथ, उसको श्रेड किया, फिर इसमें मैंने 3 चम्मच डाल दिए जी बटर के, मेल्टेड बटर। इसमें मैं अब डाल दूँगी थोड़ी सी काली मिर्च, छोटा चम्मच ले लीजिए आप पाउडर। नमक आपने इसमें हंसपे ज़रूरत डालना है, और जो मेरे पास सैलड अवेलेबल थी उसमें टोमेटो थे, कुकम्बर था, और बंद गोभी मैंने बारीक बारीक काट ली थी। मायोनीस मैं इसमें डाल दूँगी 4 से 5 चम्मच, और तकरीबन ये बन जाएंगे 4 से 5 मेरे सैंडविचेस। बहुत मज़े के बनते हैं, ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को अगर आपको कुछ झटपट सा बनाना है स्नैक के आपके पास टाइम नहीं है, जैसे आज मेरे पास नहीं था। तो मैंने इसमें डाल दिया जी बंद गोभी, और अब मैं इस मिक्सर को कर लूँगी अच्छा सा मिक्स। और जो मैंने ऑमलेट बनाया था सिंपल, इसमें मैंने नमक और काली मिर्च को डाला और बीट करके ऑमलेट तैयार कर लिया। बेसिकली इसके लिए चाहिए होती है बड़े साइज़ की ब्रेड के स्लाइसेस, जो मेरे पास अवेलेबल नहीं थे। स्लाइसेस को मैंने चारों तरफ से कट करके ग्रिल पैन में अच्छी तरह सिका लिया, और फिर आपने इसको स्टेप बाय स्टेप पोश इसका आपने फिलिंग करनी है। सबसे पहले मैंने चिकन की फिलिंग कर दी इस पर जो बैटर तैयार किया था, फिर मैंने कुकम्बर और खीरा रख दिया, सॉरी कुकम्बर खीरा और टोमेटो रख दिया। फिर सेकंड पे आपने ऑमलेट, और फिर मायोनीज लगा दीजिए, केचप लगा दिया, इट्स अप टू यू। और अगर ये बड़े स्लाइसेस होते तो बहुत ज़्यादा मज़ीद मज़े का लगता, बट इससे भी काम चल गया और बहुत मज़े के बनते हैं ये, और बहुत सिंपल रेसिपी है। तो दूसरा जो सैंडविचेस मैंने बनाए वो मैंने स्लाइसेस उसके जो एजेस हैं ब्रेड के नहीं काटे, और इस पर मैंने केचप भी लगा दी थी। तो इस पर लेटिस भी लगाइएगा, लेटिस भी ऐड कीजिएगा, उससे इसका फ्लेवर और मज़ा बहुत ज़्यादा इन्हेंस हो जाता है। तो हमज़ा अयान के साथ खेल रहा था और अपना स्विंग इंजॉय कर रहा था, और अयान बहुत ज़्यादा बोर हो रहा था। जैसे समर स्टार्ट होता है तो स्विमिंग जो है बच्चों की क्लासेस स्टार्ट हो जाती हैं, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में इनकी फेवरेट है जी स्विमिंग। तो बस उसके गैजेट स्विमिंग के लगा के वो कभी अंदर हो रहे थे, कभी बाहर हो रहे थे, इंतहा के बोर हो रहे थे। और मैं अपने वो किचन में मसरूफ़ थी, गजरेला पका रही थी, क्योंकि अगर मेरे पास एक्सेस दूध हो, क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी गैलन की बोतलें आती हैं यहाँ पर, और इसकी एक्सपायरी डेट जब करीब हो, तो मैं इस तरह कोई ना कोई मीठा बना लेती हूँ। तो गजरेला मेरा ज़बरदस्त रेडी था, ये थी इसकी फाइनल लुक। अब मैं आपके साथ 2 टिप शेयर करने जा रही हूँ। पहली टिप है जी, अगर आप सूखा धनिया और जीरे को यूज़ करें तो उसको अगर आप 5 मिनट के लिए भून लें, लो फ्लेम पे जलाना बिल्कुल नहीं, और पाउडर शेप में इस तरह आप उसको एयर टाइट कंटेनर में भर लें, और उसको जब आप खानों में यूज़ करेंगे, ना सिर्फ इसकी खुशबू बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त होती है खानों की, फ्लेवर बहुत ज़्यादा खानों का इन्हेंस हो जाता है। तो मुझे बनाने थे करेले कीमा, सिंपल मैंने कीमे को भून लिया थोड़ा सा प्याज ज़्यादा डाल के और टमाटर। करेलों को जब मुझे ये पता चला एक बात कि भाई करेलों की जो अफादियत है वो है जी इसके छिलकों में, तो मैंने फ़र्स्ट टाइम करेलों को धोया, फिर काटा नमक लगा के, फिर उसको मैंने अच्छी तरह फ्राई कर लिया। तो दिल ही दिल में जब मैं इसको पका रही थी तो मुझे खटका सा था कि भाई मेरे करेले कड़वे ना बन जाएँ, तो मुझे एक टिप याद थी और मैंने सोचा आपके साथ भी ये टिप शेयर कर लूँ कि जिनके करेले कड़वे बनते हैं हमेशा, या उनको होता है कि भाई करेले कड़वे ही होते हैं हमेशा, तो अगर वो 2 चम्मच दूध के डाल दें, जो कि मैं पकाते हुए सोच रही थी और मुझे था कि दूध डाल देना चाहिए कड़वे ना हो, तो अल्हम्दुलिल्लाह अगर मैं दूध ना भी डालती तो मेरे करेले आज तक कड़वे नहीं बने। तो बहुत ज़बरदस्त मज़े के मेरे करेले बने, खुश हो गई कि मैंने हमेशा अब छिलकों के साथ करेले पकाने हैं ताकि इसकी भरपूर अफादियत से फ़ायदा उठाया जाए। तो चटपटा खाने का दिल कर रहा था, और पंजाबी हो और चटोरे ना हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता, बट हिम्मत कुछ भी नहीं थी कि मैं कुछ मज़ीद पकाऊं किचन में जाऊं। तो मैंने अपने गोलगप्पों को निकाला और पानी पूरी का मसाला बनाया, रेडीमेड मसाला इजीली अवेलेबल होता है, ठंडे से पानी में उसको घोला। मुझे अपने गोलगप्पे इंजॉय करने थे और हमज़ा सो रहा था। फाइनली हस्बैंड ने बोला कि बच्चों को कि मैं इनको ले जाता हूँ काइट फ्लाई करने के लिए। हमारी घर की बैक साइड पे है जी लेक, बहुत ठंडी हवा चल रही थी, तो उन्होंने मुझे बना के भेजे इनके वीडियो क्लिप्स। तो मुझे था कि चलो ये इंजॉय कर रहे हैं, पतंग उड़ा रहे हैं। तो 7:30 का ये टाइम था, इस टाइम बिल्कुल भी कोई नहीं होता, और यहाँ पे इशा होती है 9-9:15 के दरमियान। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये भी दिन गुजर गया। हर दिन हमारे लिए चैलेंजिंग दिन होता है बींग अ पेरेंट्स, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा अब एग्जॉस्ट होना शुरू हो गए हैं, बट अल्लाह पाक आज नहीं तो कल हालात को बेहतर कर देगा। तो बारिश मूसलाधार स्टार्ट हो गई थी। तो ये था मेरा आज का व्लॉग, ज़बरदस्ती गपशप।
तो इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग के साथ, मज़ेदार सी बातों के साथ, ज़बरदस्त सी रेसिपी के साथ फिर हाजिर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।